हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? सो मैं उठ गई हूँ, सुबह हो गई है और मेरी आँखों में यहाँ पे ना पता नहीं खुजली हो रही थी तो थोड़ी सी स्वेलिंग जैसी हो गई है। सो मैं उठ गई हूँ और अभी मुझे भैया स्कूल नहीं जाएगा, बेटू जाएगी, तो उसके लिए मुझे लंच उसका प्रिपेयर करना है। जो ही वो सैंडविच लेके जाने वाली है आज, ब्रेड शाम को मंगवा ली थी मैंने क्योंकि भैया को आज डॉक्टर को दिखाना है। वो दवा खा रहा है लेकिन फिर भी उसको बुखार आ जा रहा है, तो एक बार टेस्ट कराना ठीक रहेगा। तो भी मैं नीचे जा रही हूँ, ऊपर थी। सुबह सुबह ना इतनी ठंड ठंडी हवा आती है और ये सब। मैं नीचे चलती हूँ और अभी सबसे पहले मैं ब्रश करूँगी, पानी पीऊँगी, उसके बाद मैं लंच बनाऊँगी। बेटू का लंच बॉक्स रेडी करना है। सो ये दरवाज़ा मैं बंद रखती हूँ हमेशा क्योंकि टाइसन घुस जाता है ना, तो फिर पौधों की ऐसी तैसी हो जाती है। सो चलते हैं नीचे और फिर बनाते हैं हम अपना जो भी काम करना है। मैंने नहा लिया है और अभी तक लाइट का काम चल रहा था। मैंने यहाँ पे ट्यूबलाइट लगवाई है और पूरा इन्वर्टर से कनेक्शन यहाँ का नहीं किया था, सिर्फ एक बल्ब का किया था। तो आए थे तो उनको बोला है तो हुआ है, तो थोड़ी सी रोशनी हो रही है क्योंकि डार्क कलर हो रखा है ना, तो रोशनी जो है कम होती है लाइट में। तो हो गया है अभी बाहर का, वहाँ जहाँ जहाँ होना था। और डोर बेल जो है वो भी ख़राब हो गई थी तो उसको भी चेंज कराना था, तो वो सब हो गया है। और अभी मैं अपना नाश्ता करने जा रही हूँ और साथ में सब्जी भी कट करती जा रही हूँ। दाल चढ़ा के आई हूँ, कुकर की सीटी सुनाई दे रही हो शायद। सो उसको चढ़ा दिया है, दाल चावल सब्जी रोटी भिंडी की बनाने वाली हूँ। तो मैं खा लूँ और फिर मैं बना लेती हूँ। लाइट का क्या लुक जुक कर रही है? हाँ क्या हो गया है लाइट को? हाँ लाइट चली गई है। अरे यार इंडिकेटर सारे इन्वर्टर्स करके चले गए, ये बिजली खाएंगे अलग से। तो मैं खा लेती हूँ, लाइट दिखाती हूँ कहाँ पर लगवाई है लाइट। ट्यूबलाइट ही बोलते हैं, बट ये पता नहीं क्या चल रही है ऐसे, वो लेक खुट खुट बीच में आवाज़ आ रही है। और ये है क्या है? अब सैंडविच है ये, भिंडी प्याज। इससे बड़ा अभी और होगा, एक और होगा। हाँ लाओ दो। ओके और एक बड़ा सा और होगा उसमें पानी रखने के लिए। मिला? ये मिला। अबे और बहुत बड़ा वाला है, निकालो फिर। ओह माय गॉड, बहुत बड़ा दे रही है सब ना। हाँ ये फूटा तो नहीं है। इसमें मैं दही जमाती थी, फिर इसमें क्या होता, दही जमाते रहो फिर कुछ दिन के बाद पता नहीं क्यों स्मेल आने लगती है दही में, तो इसलिए मैंने जमाना बंद कर दिया था, तो ये ऊपर रख दिया था मैंने। अब हम जा रहे हैं। बेटे इसमें पानी भर लो। एक इसमें पानी भर लो, ऊपर ही भर लेंगे ना उसे, है ना। इसमें दाने रख लो। यहाँ पर रख दो ऊपर, पानी भर रही हो क्या? भूतनी जैसे खड़ी हो गई, ऐसा लग रहा है जैसे अभी गर्दन पलट जाएंगे। कहाँ पर रखें? यहाँ नीचे रख दे। नीचे रखो, ऊपर रखो ना तो आ जाएगा, तो जाना है। यहाँ रख देते हैं, यहाँ वो चुग लेंगी। पानी रख दो, लेकिन धूप आएगी अभी तो पानी सारा उड़ जाएगा।
और तुम और किराए दे रही हो पानी। छोड़ दो छोड़ दो। पर बेटू काम करते हुए फोकस क्यों कर रहा है इतना? क्या प्रेयर? तब एक दिन में थोड़ी ना याद हो जाती है। हाँ भैया काम कर रहा है। टंकी बहुत गंदी हो गई है, कल सफाई होगी। सफाई कर्मी ये है, ये घुसेगा टंकी के अंदर। अभी ये वाला खंभा ऊंचा है ना इससे? हाँ वो ऊंचा है। और ये दर्रा भी मार है। गेहूँ वगैरह सब रखने के बाद हम लोग चले गए थे मॉल। पिछली बार हम लोगों ने जो शॉपिंग की थी उस पे हमें कुछ गिफ्ट कार्ड मिले थे जिन्हें हमें रिडीम करना था इसी मंथ में। तो हमने सोचा था पहले कि आयरन ले लेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे वो कार्ड रिडीम नहीं हो रहा था। तो फिर हमने सोचा कुछ घर के और कपड़े वगैरह जो ले लेते हैं, तो थोड़ा बहुत जो सामान था मैंने लिया। मुझे लेने थे भगोने थोड़े, मतलब थोड़े 1 लीटर वाले, बट वो वहाँ पे थे नहीं, छोटे छोटे से थे, तो फिर वो नहीं लिया था मैंने। कप का स्टैंड मैंने लिया था। तो और ये भगोने पूछने गए थे उनसे जो वहाँ पे रहते हैं ना लड़के लड़के जो रहा करते हैं, सामान वामान दिखाते हैं। तो उन्होंने बताया कि अभी छोटे ही अवेलेबल है, बड़े नहीं है। तो मैंने कहा चलो छोड़ो। फिर मुझे कप का स्टैंड दिख गया था तो मैंने सोचा वो ले लूँ, बट ये कॉपर वाला था। लेकिन इसमें मैंने पूछा तो उन्होंने बोला ये प्योर कॉपर नहीं है, पेंट किया हुआ है, कुछ दिन बाद ये उतर जाएगा। तो मैं स्टील वाला निकाल रही थी लेकिन मुझसे निकल नहीं रहा था। फिर भैया को बुला के फिर मैंने निकलवाया था इसको और लिया ही। सलाद नहीं खाओगे तो तबीयत तो तुम्हारी ख़राब है। होटल में जा रहे हैं, अच्छा होटल में सलाद नहीं। भैया का नया इन्वेंशन और वो कपड़े टी शर्ट वगैरह पड़ी हैं जो हम लोग लेकर आए हैं, वापस आ गए वहाँ से। बट अभी हाँ तो पहनो जल्दी से। तो हम लोग जा रहे हैं बाहर। हाँ नहीं दिखाएंगे, बाहर जा रहे हैं खाना बाहर ही खाएंगे। मेरी तबीयत पता नहीं अचानक से बुखार आ गया है। भैया को हुआ है और भैया से अब पूरे घर में सबको हो रहा है धीरे धीरे। तो बाहर जा रहे हैं खाना खाने, गाड़ी निकाल रहे हैं। बेटू भी कपड़े चेंज कर, बेटू मालू में कंगा मालू। भैया की टी शर्ट भैया दिखाना, भैया के डायनासोर बना हुआ है, सीधे खड़े हो ये। ओ बेटू की, बेटू दिखाओ अपनी टी शर्ट। ये बेटू की टी शर्ट है। तो खाना ना खा कर हम लोग आ गए थे और भैया को दवा वगैरह खिला दी है। बेटू भी उधर पीछे लेट चुकी है और हम लोग जा रहे हैं अब सोने। 10:30 बज चुका है और रोज मैं व्लॉग का एंड करना भूल जाती हूँ। अभी मुझे ध्यान आई तो फिर से लाइट जला के मैं बैठी हुई हूँ। भैया को दवा खिला दिया, ये बीमार हुआ है, इसने मुझे बीमार किया है। अब बेटू के आसार लग रहे हैं कि बेटू बीमार हो जाएगी। देखो तुम हमने, हाँ देख लिया, मे बी वायरल हो रहा है हम सबको। वायरल क्या होता है, ट्रेंडिंग है वायरल। कल सब लोग कर रहे हो सरकारी। व्लॉग को मैं कर रही हूँ एंड, अब मिलती हूँ आप सबसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।